Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जो 2020 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है शॉर्टकट। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़के को घने जंगल के अंदर से भागते हुए देखते हैं। शायद वो काफी देर से भाग रहा था, थक चुका था वो। एक पॉइंट पर वो गिर जाता है। उसके चेहरे पर डर और फ्रस्ट्रेशन का एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जिससे लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ उससे पीछे छूट रहा है। नेक्स्ट सीन में हम इस कहानी के मेन प्लॉट में एंटर करते हैं। काफी यूजुअल डे था ये। एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स अपने फेवरेट ड्राइवर के साथ फील्ड ट्रिप पर निकले थे। इस ग्रुप में था नोलन, बेस, क्वीनी, कर्ल और रेजी। उनके ड्राइवर कम टूर गाइड का नाम है जोसेफ, जो एक काफी हसमुख बंदा है। मौसम सुहाना था, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज टेलीकास्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आज का दिन काफी स्पेशल है। आज रात फुल लूनर एक्लिप्स होने वाला है, ऐसा एक्लिप्स जो हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ तो काफी एक्साइटेड था इसे देखने के लिए, मगर इन यंगस्टर्स को इसकी परवाह ही नहीं। हम देखते हैं ये रास्ता जंगल के अंदर से गुजरता है, जहां कुछ आगे जाते ही जोसेफ को गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि आगे रोड ब्लॉक्ड था। एक काफी लंबा चौड़ा पेड़ पड़ा था रास्ते के बीचों बीच। वहां एक क्रेन भी खड़ी थी, मतलब मेंटेनेंस वाले आए तो थे, लेकिन फिलहाल तो उनका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस जाना नहीं चाहता था, तो वो एक दूसरा रास्ता अपनाता है, एक शॉर्टकट जो कन्वेंशनल रास्ता तो नहीं था, मगर अभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जोसेफ उसी रास्ते पर गाड़ी घुमाता है, मगर वो नोटिस ही नहीं करता कि उसी रास्ते के पास एक लाश भी पड़ी है। वो लोग तो कुछ और ही देखने में बिजी हो जाते हैं। असल में इस नए रास्ते पर एंट्री लेते ही सर्दियों का मौसम आ चुका था, चारों तरफ जैसे अंधेरा छा चुका था। जंगल और भी घना होने लगता है, हर तरफ कोहरा छाने लगता है, और हमें इसी रास्ते के आसपास कुछ जानवरों के कंकाल भी नजर आते हैं, ऐसे वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे। मगर इस रास्ते पर भी उन्हें कुछ दूर जाते ही रुकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ जाता है उसे हटाने, मगर जब वो गाड़ी में लौटता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई और भी था जो जोसेफ को गन पॉइंट पे ले रखा था। इस आदमी का नाम है पेड्रो, एक साइको सीरियल किलर जो बच्चों का खून करके उनके जीभ काट लेता था, द टंग ईटर। 2 साल पहले उसे पुलिस ने अरेस्ट की थी, मगर कुछ दिन पहले ही वो जेल से भाग कर इस जंगल में आकर छुप गया। अभी इन बच्चों को टोप बनाकर शहर वापस जाना चाहता है वो। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके ही कहने पर ड्राइव करने लगता है एंड ग्रेजुअली एक टनल में एंटर करता है। तब तक शाम हो चुकी थी। ये एंडलेस रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था, ऊपर से इतना टेंशन। इस सब के चक्कर में कोई नोटिस ही नहीं करता कि इस टनल के आगे एक साइन बोर्ड भी है, जिस पर लिखा है ये एक मिलिट्री जोन है, आम लोग इससे दूर रहे। इस टनल में एंटर करने के कुछ देर बाद अचानक ये वैन बंद पड़ जाती है। पेड्रो क्वीनी को गन पॉइंट पे लेके जोसेफ को फोर्स करता है इसे ठीक करने के लिए। जोसेफ कोशिश तो करता है, मगर प्रॉब्लम उसे समझ नहीं आती। तभी उन्हें वैन के रोशनी से कुछ ही दूरी पर एक चीज नजर आती है, काले रंग के बस्ते की तरह। वो क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो पेड्रो जोसेफ को भेजता है देखने के लिए। अचानक टनल की लाइट्स ऑफ हो जाती है और जोसेफ उसके सामने जा पहुंचते ही ये चीज उठकर खड़ी हो जाती है, हमला कर देती है जोसेफ पर और मार डालती है उसे। अंधेरे में कोई ठीक तरह से कुछ भी देख नहीं पाता, मगर जोसेफ के चिल्लाहट से सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्पेशली पेड्रो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, वो अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहता था, मगर गाड़ी की चाबी तो जोसेफ के पास है। पेड्रो की हिम्मत नहीं हुई खुद जाने की, तो वो इन बच्चों को ही फोर्स करता है एंड फाइनली बेस जाती है चाबी लाने। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे जैसे किसी जानवर ने नोच नोच कर खाया है। टनल के अंधेरे कोने में बेस को एक काला साया भी नजर आता है। जैसे ही वो फ्लैश लाइट ऑन करती है वो क्रिएचर छुप जाता है अंधेरे में, मगर बेस समझ चुकी थी कि ये वही क्रिएचर है, इंसान की तरह दिखने वाला जिसने जोसेफ पर हमला करके उसे मार डाला है। बेस भागकर गाड़ी में वापस आ जाती है, सभी को इन्फॉर्म करती है उसने क्या देखा। रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये गाड़ी तो खराब हो चुकी थी। अचानक उन्हें वैन के ऊपर किसी के भारी फुटस्टेप सुनाई देते हैं, साथ में स्क्रैचिंग की आवाज भी।
अभी तो इस वैन में भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे। पेट्रो ऐसे मरना नहीं चाहता था, तो वो गाड़ी से उतर जाता है बंदूक से उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसे ही मरना पड़ता है। ये बच्चे वैन का दरवाजा बंद करके किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ये क्रिएचर अपने नुकीले नाखूनों से उस दरवाजे को बहुत ही आसानी से खोलकर घुस जाता है वैन के अंदर। वैन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, डर से सभी चिल्लाने लग जाते हैं। उधर दूसरा दरवाजा जैम हो चुका था। ऐसे कियोस के बीच बेस को याद आता है उसके फ्लैशलाइट दिखाने पर ये क्रिएचर छुप गया था, तो इस बार भी वो वही करती है। सभी उसे फ्लैशलाइट से डरा के बाहर भागते हैं। टनल के पास उन्हें एक साइडवे मिलता है जहां से वो लोग नीचे जाने लगते हैं, मगर नीचे तो जैसे भुलभुलैया बना हुआ था, हर तरफ अंधेरा था। बहुत सारे पैसेजवेज थे जो जाल की तरह स्प्रेड हो रखे थे। ये लोग एक रास्ते को अपनाते हुए एक रूम में जा पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे कैंडल्स पड़े थे, एक फ्लोर मैप था जिससे उन्हें पता चलता है जनरेटर रूम कहाँ है। बेस और नोलन समझ चुके थे इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही काबू किया जा सकता है, तो वो दोनों निकल पड़ते हैं जनरेटर ऑन करने। मैप फॉलो करते हुए वो लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, मगर उससे पहले रास्ते पर उन्हें एक स्केलेटन दिखता है, किसी आदमी का, वो भी शायद इसी क्रिएचर का शिकार बना था। उधर एट द सेम टाइम क्वीनी को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। एक स्पॉट पर दोनों अलग होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्वीनी को प्राइवेसी चाहिए थी, रेजी उससे बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। फिर भी ना जाने कब वो क्रिएचर क्वीनी को उठा ले जाता है। अकेले रेजी की हिम्मत नहीं होती, वो कार्ल को भी बुला लेता है और दोनों मिलके क्वीनी को ढूंढने लग जाते हैं। अंधेरे पैसेजवेज से गुजरते वक्त उन्हें उस क्रिएचर की घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग एक कोने में जा पहुंचते हैं, अंधेरे कोने में। वहां उन्हें क्वीनी तो दिख जाती है, मगर उसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। क्वीनी के ऊपर वो क्रिएचर बैठा था जो उसे जकड़ कर रखा था। रेजी उसे बचाने के लिए उस क्रिएचर को मशाल से डराता है, इससे क्वीनी तो बच जाती है, मगर ये क्रिएचर उल्टा रेजी पर हमला कर देता है। कार्ल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त बेस एंड नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और ये पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। एज ए रिजल्ट इस क्रिएचर को भागना ही पड़ता है। रेजी तब भी डर से कांप रहा था, किसी तरह वो खुद को संभालता है और ये तीनों मिलकर बेस और नोलन को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं, उन्हें एक साथ रहना होगा। उधर लाइट्स ऑन होते ही बेस और नोलन को उस जनरेटर रूम की हालत दिखती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां कोई रहता था। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स टंगे थे, इस क्रिएचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर वर्क थे और एक डायरी जिस पर जूलियो शार्पी का नाम लिखा था। ये वही लड़का था जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में भागते हुए देखा था। वो 40 साल पुरानी बात है। एक दिन जूलियो और उसकी बहन ऐसे ही घूमते घूमते इस टनल में आ पहुंचे थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, मगर जूलियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की मौत एक ऐसे ही एडवेंचर में होगी, वो भी एक ऐसे क्रिएचर के हाथ। उस वक्त उसके बातों पर किसी ने बिलीव नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने, ना पुलिस ने, लेकिन जूलियो ने अपनी खोज जारी रखा। 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में, इसी को अपना घर बना लिया और इसी क्रिएचर के बारे में सारे क्लूज, उसके वीक पॉइंट्स इकट्ठा करने लगे। उन्हें भी इस क्रिएचर के फोटो सेंसिटिव होने के बारे में पता था, तो उन्होंने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाना स्टार्ट किया जिसके रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे पूरा करने से पहले ही उन्हें मरना पड़ा। अभी पूरे 20 साल बाद ये ग्रुप इस भुलभुलैया में फंस चुके हैं। उन्हें इसी डायरी से पता चलता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है जो इंसान और जानवरों के खून से अपने आप को जिंदा रखता है। ऑलरेडी दो पर हमला हो चुका था, रेजी तो फिर भी ठीक था, मगर क्वीनी के कंधे पर उस क्रिएचर ने काट लिया था। घाव बहुत गहरा हो चुका था, ब्लीडिंग भी नॉन स्टॉप हो रही थी और इन्फेक्शन फैलने का डर भी था। पहले इन पांचों का इंटेंशन था यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन अभी इस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें फील होता है कि उन्हें जूलियो का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, नहीं तो ये क्रिएचर एक दिन पूरे शहर को ही खा जाएगा। वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते वो यहाँ से भाग तो नहीं पाएंगे। क्वीनी बहुत वीक पड़ चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और
जुइलियो के डायरी को फॉलो करके उस मशीन के बाकी के कनेक्शंस को जोड़ देते हैं। अब यह मशीन एब्सोल्युटली फंक्शनल बन चुका था। तो नोलन फिर से एक बार जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीनी के खून से उस क्रिएचर को ललचाता है बाहर निकलने के लिए। प्लान था उस क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रिएचर वल्नरेबल हो जाएगा और ठीक तभी ये लोग उसे जलाकर मार डालेंगे। सभी इसी प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन लेते हैं। वो क्रिएचर बाहर आ भी जाता है मगर जनरेटर का हैंडल इतना टाइट था कि बेस ठीक समय उसे उठा नहीं पाती। रेडियो उस क्रिएचर के बिल्कुल सामने था। उसके सांसों की आहट सुनाई दे रही थी उस क्रिएचर को। तो उसे बचाने के लिए नोलन आवाज करके इस क्रिएचर का अटेंशन अपने तरफ खींच लेता है। बाद में बेस भी सेम आवाज करती है नोलन को बचाने के लिए। लेकिन अब क्या, बेस और क्वीनी तो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके थे। इस पॉइंट पर बाकी लड़के बहुत चालाकी से काम लेते हैं। फिर से एक बार इस क्रिएचर को खून के स्मेल से ललचा कर उस लाइट मशीन के पास ले जाया जाता है और नोलन अपनी पूरी ताकत से हैंडल को खींचता है। इमीडिएटली हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और दो लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर तब तक सुबह हो चुकी थी। दिन के उजाले में वो क्रिएचर उनका कुछ नहीं कर सकता। उन्हें लगा शायद वो लोग बच गए मगर ठीक तभी उन्हें गलत साबित करते हुए वो क्रिएचर उनके पीछे आ पहुंचता है। बेस और क्वीनी डर जाते हैं लेकिन असल में ये उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे में से तीनों लड़कों को हाथ में मशाल लिए इसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी और पीछे आग। ये क्रिएचर तो जाल में फंस चुका था जिसका फायदा लेकर ये तीनों इस क्रिएचर पर आग लगा देते हैं। उसी आग में जलकर वहीं उनके सामने ये क्रिएचर राख बन जाता है। फाइनली ये पांचों उस टनल से निकल पाते हैं सेफली। क्वीनी की ट्रीटमेंट की जाती है। वो लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं बट अगेन उन पर कोई यकीन नहीं करता। नेक्स्ट डे एक ऑफिसर आते तो है चेक करने लेकिन उन्हें यकीन था उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। मगर टनल में एंटर करते ही उन्हें किसी जानवर के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अचानक उनका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उनके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इसके बाद उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ ये तो हमें फिल्म में दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरे में उनकी चीखें ही सुनाई देती है। मतलब शायद उन्हें भी इसी क्रिएचर का शिकार होना पड़ा। दी एंड। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या है ये क्रिएचर और वो तो मर चुका था तो फिर से जिंदा कैसे हो गया। दोस्तों इस पर दो थियोरीज है। फर्स्टली मुझे लगता है ये क्रिएचर वेयरवुल्फ जैसा कुछ है जो सिर्फ लूनर एक्लिप्स के दिन ही जागता है, वो भी हर 20 साल में, क्योंकि जूलियो के डायरी में हमें उनके समय यानी कि 1947 में यहाँ पर किसी बिग वुल्फ का रूमर जानने मिलता है। मे बी वो खुद को हील कर सकता है इसीलिए इमॉर्टल है। या फिर अकॉर्डिंग टू माई सेकेंड थियोरी ये किसी मिलिटरी एक्सपेरिमेंट का नतीजा भी हो सकता है, इसीलिए ही वो साइन बोर्ड लगा के सिविलियंस को इससे दूर रखा जा रहा था। जब यहाँ से लोग गायब होने लगे तो इस टनल को अबांडन कर दिया गया लेकिन इससे उस क्रिएचर को रोका नहीं गया। हमें उस क्रेन के पास जो लाश दिखी थी वो शायद उस मेंटेनेंस वाले की ही थी और हो सकता है ऐसे क्रिएचर एक नहीं बल्कि और भी कई सारे हैं। और एक बात ये है कि हमें इन क्रिएचर के शरीर पर काले रंग के कपड़े दिखे थे बिल्कुल जैसे इंसान पहनते हैं, तो हो सकता है कि शायद ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन पर ही की गई थी। जस्ट अ गेस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।